हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग जाने वाले हैं सलूरी गांव और एक रोलेपनम का जगह है, शायद वहाँ जाएंगे। वो भी डिसाइड नहीं हुआ है फाइनल। हाँ, वो कंफर्म होगा तो, तो हम लोग आपको अपडेट करते हैं। तो अभी हम लोग पदमचेन में हैं। कल हम लोग वापस जुलूक घूम के पदमचेन आ गए थे आने के बाद और व्लॉग नहीं किए थे। तो अभी हम लोग पदमचेन छोड़ के, मतलब ये अपना रूम छोड़ के अभी जाने वाले हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं सिलारी गांव। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया है। ब्रेकफास्ट बढ़िया था। काफी ठंड है यहाँ पे ना, मौसम थोड़ा अलग है। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम ज्यादा ठंड हो रही है। मॉर्निंग में पूरा धूप रहती है, कंप्लीटली कोई ठंड नहीं है। ठंड है मतलब वैसी नहीं है। दोपहर होते होते बहुत ठंड हो जाएगी, पूरा बादल हो जाएगा। शाम रात को फिर से वापिस से बादल हट जाएंगे और टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बने रहिए सिलारी गांव के लिए। ये लोकेशन कंप्लीट ऐसे करते हुए ये लोकेशन है। और ये हम लोग का होमस्टे था।
है रोलेफ, ये एक वाटरफॉल है। हम लोग जाने वाले थे सिलैरी गांव पर देख के बाबा। थोड़ा सा एडवेंचर काइंड ऑफ फीलिंग है, बस इतना ही पतला रोड है जितना एक इंसान का चलने के बराबर। अगर आप सिक्किम आए तो पक्का रोलैप जरूर आए। रोलैप में ये वाटरफॉल है, ये रोलैप का ये वाटरफॉल सबसे लाजवाब वाटरफॉल है। अभी ऐसे आपको सिक्किम में नॉर्मली ईस्ट सिक्किम के टूर में उतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा आपको। नाम बताइए सबसे पहले आपका। ये हमारे ड्राइवर है, इन्होंने हमको पूरा सिक्किम घुमाया। मेरा नाम है सोनू राज तामोंग, मेरा गाड़ी का नंबर है 1534 SK01J 1534। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7477894144। दादा के पास आप इनको फ़ोन करो, भैया आपको सभी जगह घुमा देंगे। ईस्ट सिक्किम में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिल्क रूट आना है तो मेरे साथ आइए, टूर कीजिए। ऐसा वाला व्यू मिलेगा, व्यू पॉइंट मिलेगा, स्टॉप मिलेगा, अवेलेबल गाड़ी भी अवेलेबल है, ड्राइवर भी अवेलेबल, और होम स्टे का भी अरेंजमेंट दादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब वाटरफॉल हम लोगों के लिस्ट में नहीं था, इन्होंने स्पेशली हम लोगों को बताया तो हम लोग स्पेशली घूमने आए हैं। राइट सीन भी करवा सकते हैं हम लोग। चलिए हम और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादा के साथ मिलिए, हम लोग अपडेट करते हैं। दादा का नंबर लिखा हुआ भी आएगा, ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग आए हुए हैं रोलेफ हैंगिंग ब्रिज में, और यह एक सुंदर सा डॉगी है। तो ये है इसका व्यू रोलेफ रिवर के ऊपर है, ये हैंगिंग ब्रिज इसीलिए। और ये मेरे हस्बैंड
मिल गया है। कैसे नेपाली में बोलेंगे? और हम अच्छे हैं ये बताइए। अभी जो है हम लोग अपना सिलारी गांव का होमस्टे में पहुंच गए हैं। ये बुनो लौटा है तो अभी रूम का चाबी लेने गए हैं। हम लोग बाहर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू दिखा दे रही हूँ। अच्छा है काफ़ी, अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और अंधेरा है तो मैं सुबह एक बार आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं अपना होमस्टे में, आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी है जो बिस्किट खा रहा है। और ये है हम लोगों का रूम और ये है मेरे हस्बैंड जो अभी सास भी कभी बहू थी का पोज में है। तो ये है रूम। रूम काफी तुम गिरा दोगे किसी को भी। ये रूम ठीक ठाक बढ़िया है, एक्चुअली ठीक नहीं, होमस्टे के हिसाब से बहुत साफ सुथरा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, रूम में कोई भी मिरर नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और टॉयलेट भी बहुत बड़ा और साफ सुथरा है ना। गीजर नहीं है लेकिन बस यहाँ पे एक मिरर है, इसी में हमको अपना रेडी होना पड़ेगा। और इतना ही रूम है, काफी बढ़िया है।